भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारी महानगर में बड़े जोर शोर से चल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हिंदू धर्म का प्रचलित यह त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। माँ देवकी द्वारा कारागार में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही अनगिनत असुरों का वध कर रहे थे। अपने मामा कंस का वध करके कारागार में बंद माता देवकी और पिता वासुदेव को मुक्त कराया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जलकर और पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रतिमाओं और झांकियों को देखने के लिए पूरा महानगर ललायत रहता है। यहां पर सजने वाली प्रतिमाओं और झांकियों को देखने के लिए रात भर लोग अपने घरों से निकलते हैं। रात भर सड़कों पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होते हैं। महानगर में मनाई जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी शनिवार को कुछ जगहों पर अलग अलग रूपों में देखने को मिली। गोलघर स्थित जलकर विभाग में मनाई जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जलकर विभाग के कर्मचारी लगे रहे। विभाग के कर्मचारी जन्म स्थल की साफ सफाई, पंडाल और प्रांगण की सजावट करते नजर आए। जलकल भवन में मनमोहक प्रतिमाएं भी देखने को मिली, जो जन्म उत्सव के लिए तैयार करके रखी गई हैं। पुलिस लाइन में विगत कई वर्षों से मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी में पुलिस लाइन के आर्ची नजर आए और इस दौरान जन्म उत्सव के पश्चात भक्तों में वितरण करने वाले प्रसाद को आर्ची भूनते हुए नजर आए। पुलिस लाइन प्रांगण में जन्मोत्सव के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए आर्ची टेंट लगाते नजर आए। कचहरी क्लब टाउन हॉल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पिछले 28 वर्षों से सामान्य तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार स्वचालित और मनमोहक प्रतिमाओं की झांकियां महानगर वासियों को देखने को मिलेंगी, जिसमें महाभारत के कुछ झलक भी दिखाई देंगे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे संचालकों ने कहा, जगदीश प्रसाद गौण। जगदीश जी, आप जन्माष्टमी मनाते हैं, कितने सालों से मना रहे हैं? 28 साल से मना रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 4 साल से जो है स्वचालित प्रतिमा बैठा रहे हैं। क्या खासियत है इसकी? खासियत यही है, चलने फिरने और
इसमें महाभारत का सीन थोड़ा सा लिया गया है, उसी को दिखाया जाता है। कृष्ण का जन्म होना, यही सब सीन जो है मनाया गया है। तो यहाँ जनता देखने, हाँ हाँ बहुत बहुत उभरती है, और चार सालों से अच्छा खासा जो है जनता आती है। जन्म है किस दिन होगा और आपके वहाँ देखने के लिए? 2-7 बजे से यहाँ भीड़ होना चालू हो जाता है, और 12:01 पर जो है जन्म होता है, उसके बाद में 1 बजे तक भीड़ चलता रहता है। दूसरे दिन भी ऐसे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं? मेहनत हम हैं, हमारे बच्चे 5 हैं, वही लोग मेहनत करते हैं। किसी का कोई सहयोग नहीं है, हमारा सहयोग, हमारे बच्चे का सहयोग। राम आधार पटेल, जलकल विभाग में धूमधाम से पूर्व के भाग जो है 50 साल की पूर्व परंपरा से जो है यह कार्यक्रम चल रहा है, और उसकी तैयारी जोर शोर पर चल रही है। मूर्ति वगैरह सब आ चुकी है यहाँ पे जो है, और सजावट का काम चल रहा है। कुछ खास तैयारी इस बार हो रही है? नहीं, खास तैयारी पूर्व की भाग जैसे पहले होता था वैसे ही अभी हो रहा है। शुरुआत तो मतलब 1980 से हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर, जब से हैं जो है। अब उसके पहले से भी पहले छोटे स्तर पर था, जो अब इसका विस्तार तब से बढ़ता गया जो है, इसमें बड़े पैमाने पर हो रहा है। जगत प्रसाद प्रजापति, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति। देखिए, हम लोग जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति के तत्वावधान में जलकल विभाग नगर निगम गोरखपुर से ये तैयारी चलती है। प्रतिवर्ष कम से कम 45 वर्षों से जब तक हम हैं हम लोग यहाँ से, उसके पूर्व से भी तैयारी चलती है, चली आ रही है। यह जन्माष्टमी शहर के लिए बहुत ही मशहूर है, और यहाँ पे शहर के प्रत्येक नागरिक जरूर जन्माष्टमी समिति का, यहाँ का जो भगवान कृष्ण की लीला है उसको देखने आते हैं। यहाँ की झांकी बहुत ही मनमोहक और मनोहर होती है, इस कारण यहाँ बहुत ही संख्या में भीड़ होती है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सारे सहयोग से ये जन्माष्टमी की समिति उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग प्रतिवर्ष इसको मनाने के लिए संकल्पित हैं, और मनाया जाता रहेगा।